जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर में आधुनिक तकनीक से लैस किडजी प्ले स्कूल का हुआ उद्घाटन। भारत का सबसे बड़ा प्ले स्कूल कहे जाने वाला किडजी प्ले स्कूल का उद्घाटन मुख्य अतिथि संत जेवियर स्कूल के डायरेक्टर स्टीफन जॉनसन, प्रिंसिपल जास्मिन जॉनसन, किडजी के सीनियर मैनेजर जयेश मेनन, रामनारायण यादव, उदय रंजन, डॉक्टर विजय रंजन, अजय रंजन, उत्तम प्रसाद यादव, प्रियंका ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। स्कूल के प्रबंधक प्रियंका ने बताई कि इस क्षेत्र में रहने वाले अभिभावकों के छोटे बच्चों के लिए किडजी स्कूल बेहतर साबित होगा। मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना है। यहां 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन होगा। विद्यालय में बच्चों को प्री स्कूलिंग के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। विद्यालय में डांस क्लासेस, पेंटिंग, ड्राइंग और साथ साथ पढ़ाई भी कराई जाएगी। खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सके। अब यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के लिए क्षेत्र के अभिभावकों को बड़े शहर के स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा स्कूल परिसर CCTV से लैस है। इस स्कूल में केवल महिला शिक्षिकाओं के द्वारा ही क्लास करवाई जाएगी। अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। मैं जी लर्न की तरफ से सीनियर मैनेजर हूँ एंड आज हम लोग यहाँ किड्जी जयनगर के लॉन्च में इकट्ठा हुए हैं। किड्जी की अगर मैं बात करूँ, किड्जी फोकस करता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। किड्जी में आपके जो बच्चे एनरोल करते हैं वो एज 2.5 से लेके 6 to 7 years के होते हैं। दैट इज प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर KG एंड सीनियर KG। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने छोटे बच्चे जो घर पे यूजुअली बैठे रहते हैं उनको हम लोग एजुकेशन कैसे दें। देखिए, एक वर्ड यूज़ होता है प्ले स्कूल। इस प्ले स्कूल का ये महत्व है कि बच्चों में जो भी एजुकेशन हम लाएंगे, नॉट थ्रू यू नो रोट लर्निंग विद्या उस तरीके से नहीं दी जाती यहाँ पे बच्चों को। बच्चों के साथ मिलकर हमारे यहाँ जो टीचर्स होते हैं उनको हम टीचर्स नहीं कहते, उन्हें हम फैसिलिटेटर्स कहते हैं। तो फैसिलिटेटर्स का हमारा ये मकसद होता है कि बच्चों के साथ घुल मिल के उनके डेली का जो रूटीन है, डेली रूटीन में थोड़ा डिसिप्लिन लाए, सोसाइटी में किस तरीके से सोशली बच्चों को अपने आप को प्रेजेंट करना है, वहाँ पे बच्चों को पुश करें, बच्चों को उस तरह के डेवलपमेंट में हेल्प करें। किड्जी जयनगर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ जयनगर का ये पहला किड्जी है और हमें ढेर मतलब बहुत सारा गर्व महसूस होता है ये कहते हुए कि फाइनली जयनगर के भी बच्चे हमारे अब किड्जी में दाखिला ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भी चाहेंगे जो पढ़ाई हमारे किड्जी मेट्रो सिटीज़ में हो रही है, जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, पुणे, हैदराबाद, उसी तरीके की पढ़ाई हमारे जयनगर के भी बच्चों को दी जाए। एंड अल्टीमेटली हमारा जो करिकुलम है, पेंटामाइंड करिकुलम, जो पैन इंडिया हमारे 2000 प्लस सेंटर्स में फॉलो होता है, उन सेंटर्स के अपेक्षा इस सेंटर में भी वही करिकुलम फॉलो होगा। सो दैट डाउन द लाइन 5 साल 10 साल 11 साल 12 साल बाद जब हमारे बच्चे जयनगर से अपने कॉलेजेस के लिए आगे जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए आगे जाएंगे, तो सेम लेवल पे मेट्रो सिटीज़ के बच्चे और हमारे जयनगर के बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं जीलन की तरफ से आप लोगों को देता हूँ। सो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध है कि अपने छोटे बच्चों को किड्जी जयनगर में लाएं और जल्द से जल्द एडमिशन्स क्लियर करें। इसमें बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा? बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सबसे बड़ी फैसिलिटी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे बच्चे काफ़ी कम उम्र के होते हैं, तो जो मेड्स जो आई यहाँ रखे जाएंगे हमारे सेंटर्स पे, उनका 24/7 जितनी देर बच्चों के क्लासेस चलेंगे वो नर्सेज, वो मेड्स बच्चों के पीछे लगे रहेंगे। पॉटी ट्रेनिंग हो गया, फूड ईटिंग ट्रेनिंग हो गई, इस तरीके की ट्रेनिंग आपको दी जाए। और एक रेशियो फॉलो करते हैं हम, दैट इज़ 15:1, 15 बच्चों में एक फैसिलिटेटर की अवेलेबिलिटी होती है। तो आप समझ सकते हैं जो दूसरे स्कूल में जो बेसिक क्लास की स्ट्रेंथ होती है, दैट इज़ 45-60 की, वहाँ पे 45 मिनट्स में टीचर्स चेंज हो रहे हैं, तो बच्चे भी अकस्टम नहीं हो पाते। तो आप खुद समझिए, सोचे छोटे बच्चे जो अपने घर से यहाँ 2.5-3 घंटे के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी एक मतलब बहुत सारे टीचर्स के साथ मिक्सअप करना दिक्कत की बात होती है। तो 15 बच्चों पे एक फैसिलिटेटर की सर्विसेज यहाँ दी जाती है, सो दैट बच्चे यूज टू हो। एंड अल्टीमेटली फैसिलिटेटर जो हमारे बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, दैट इज़ सोशल स्किल्स, ईटिंग हैबिट्स, डिसिप्लिन, वो बच्चे धीरे धीरे एक यूज टू चेहरे से सीखते हैं। एडमिशन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी?
एडमिशन्स के लिए आपको बस यहाँ आना है, हमारे जो जो काउंसलर यहाँ रहेंगे उनके साथ डिस्कस करके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में हो गए बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए और पेरेंट्स के जो बेसिक डिटेल्स होते हैं आधार एंड वो लिया जाएगा। एडमिशन्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन उतनी बड़ी बात नहीं है, तो इसके लिए आप लोग उतना मतलब आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। पेरेंट्स को बस अपना आधार, पेरेंट्स को अपना अगर वर्किंग पेरेंट्स है तो थोड़े डिटेल्स वहाँ शेयर करने होंगे हमारे सेंटर्स के साथ, बच्चों को क्या टीकाकरण लगा है क्या नहीं लगा है, बच्चों की बिफोर एडमिशन कुछ प्रायर बीमारी या वैसा कुछ बच्चे फेस कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमारे सेंटर को दी जाएगी, अकॉर्डिंगली फिर उस पर्टिकुलर बच्चे पर उस तरीके से ध्यान दिया जाएगा। इसमें कितने उम्र के बच्चे लगभग कम से कम का एडमिशन? 2.5 साल से लेके 6 से 7 साल के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, जूनियर केजी एंड सीनियर केजी के बच्चे। और एक और बात है, हमारे किड्जी का जो करिकुलम है पेंटामाइंड करिकुलम, ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लागू हुई है उसके साथ साइड बाई साइड अलाइंड है। तो जो NEP में आपके जो नए तरीके के सेशन आए, जो मैं कहूँ साइंसिफाई हो गए, हमारे कुछ सेशंस है साइंसिफाई, वर्ल्ड एंड वर्ल्ड आर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है जो NEP के धारा में स्कूल्स आज के डेट में शुरू कर रहे हैं वो किड्जी बहुत पहले से कंटिन्यू किया जा रहा है। एंड अल्टीमेटली मैं आप सबसे यही कहूँगा कि किड्जी जयनगर आपके नियर बाई नेबरहुड में आ गया है, तो देर ना करें एंड जल्द से जल्द अपने बच्चों के एडमिशन यहाँ करें। उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ करना चाहेंगे आपको कैसे? जयनगर में किड्जी प्ले का उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छा लगा। जयनगर में इस तरह का किड्जी का और गार्जियन सब का डिमांड था कि इस तरह का स्कूल खुलना चाहिए। बहुत कई वर्षों से स्कूल का डिमांड चल रहा था लेकिन स्कूल खुल नहीं रहा था, लेकिन डॉक्टर आर विजय रंजन के द्वारा इस स्कूल का उद्घाटन करवाया गया है। जयनगर में खुशी का लहर है कि इस तरह छोटे छोटे बच्चे को भी स्कूल जाने का मौका मिलेगा, कुछ कुछ सीखेगा, इससे स्कूल का भी विकास होगा, बच्चों में विकास होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह का स्कूल पहले ही उद्घाटन हो जाना चाहिए, पहले ही खुलना चाहिए। जो विलम्ब से खुला, लेकिन बहुत विलम्ब से भी खुला, बहुत अच्छा जगह पर है, पोस्ट ऑफिस के बगल में है और अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत गार्जियन आए हुए हैं, बच्चे का एडमिशन आज भी करा रहे हैं और कुछ गार्जियन सब आए हैं जो कल भी कराएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सुनना हो गया आपका? मेरा नाम वैद्यनाथ कुमार बासुकी, वार्ड नंबर 2 में मेरा घर है, किसान भवन रोड जयनगर। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।